चलिए भाई साहब, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग ना अभी नर्व इंपल्स जेनरेशन पढ़ रहे हैं, नॉट कंडक्शन। कंडक्शन कल से पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए साहब, जेनरेशन में मैंने आपको कहा था पोलराइजेशन होता है, देन डीपोलराइजेशन होता है, देन रीपोलराइजेशन होता है। आपकी एनसीईआरटी आपको केवल रीपोलराइजेशन तक ही पढ़ाती है, लेकिन एक टर्म मैं आपको बताऊंगा हाइपर पोलराइजेशन, ताकि आप जब मेडिकल कॉलेज में जाओ तो आपको मेरी बात याद है, ठीक है? हालांकि आपके लेवल पर हाइपर पोलराइजेशन पढ़ाने के बाद हम लोग खुद ही एक कंसेप्ट में कॉन्ट्राडिक्टेड होने लगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं उस कॉन्ट्राडिक्शन से भी आपको बता दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत हाइपर पोलराइजेशन का भी जानकारी दूंगा, ठीक है? डोंट वरी। तो कुल मिला के हम लोग पोलराइजेशन पढ़ चुके थे। देखिए, जिनको पोलराइजेशन समझ में आ गया है, आज उसी को डीप पोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन समझ में आएगा। हाइपर पोलराइजेशन से थोड़ी सी बात है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है? चलिए, उससे पहले मैं आप सबको एक थोड़ा सा बात बताता हूँ, थोड़ा सा। कैसे बताऊं? इससे बताऊं, इससे चलेगा? देखिए, ये कॉपी है, ठीक है? कॉपी नहीं है, इसको मैं मान रहा हूँ क्या, इसमें देखिएगा गौर से। मैं कह रहा हूँ कि ये एक गेट है। अरे क्या हो गया, ये गेट कितनों को समझ में आ रहा है? गेट खुल रहा है, बंद हो रहा है? कितनों को समझ में आ रहा है? गेट समझ में आ रहा है, गेट खुल रहा है, बंद हो रहा है, ठीक है? तो मेरा कहना है कि अच्छा, ये गेट अगर ऐसे खुल जाएगा ना, तो मान लो कि कोई पर्सन इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है? तो मेरा कहना है कि ये गेट ऐसे नहीं खुलता, यहाँ पे कुंडी लगा हुआ है, ठीक है? ये कुंडी हटेगा तभी गेट खुल सकता है। अरे ठीक है, ये कुंडी लगा हुआ, कुंडी हटेगा तभी गेट खुल सकता है। तो लो, कुंडी मैंने हटाया, अब गेट खुलना स्टार्ट हुआ। तो बता, कुंडी हटते क्या गेट खुल गया? ऐसे है, कुंडी हटा गेट खुल, ए, ले खुल गया, ऐसा थोड़ी होता है यार। कुंडी हटा, गेट देखो खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है, गेट खुल गया पूरा। कितने को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कितने लोग समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, चलिए। अब अगर इस गेट को कोई धक्का मारा बंद होने के लिए, सुनेगा ध्यान से, अब अगर इस गेट को कोई धक्का मारा बंद होने के लिए, क्या गेट तुरंत ऐसे बंद हो जाएगा? पागल हो गया? ये गेट को अगर बंद होना है तो गेट बंद हो रहा है, 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 और गेट बंद होके कुंडी लग गया। कितनों को समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कितने लोग समझ गए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? कुल मिला के गेट तब तक नहीं खुलेगी जब तक कुंडी नहीं हटाया जाएगा, और कुंडी हटने के बाद ऐसा नहीं कि गेट फटक से खुल जाएगा, खुलने में थोड़ा समय लगेगा। फिर जब गेट को स्टिमुलस मिलेगा बंद होने के लिए, तो वो बंद होने में भी टाइम लगेगा, बंद होकर फिर कुंडी लग जाएगा, ठीक है? अच्छा, ये बातें मैं नॉर्मल फिजिकल गेट, अपने कमरे के गेट के बारे में बात करूं तो ये सब काम करने में लगभग एक मिनट लग जाएगा, खुलने में, लगाने में, सब मिला के एक मिनट लग जाएगा। लेकिन मैं आपके नर्व सेल में एक्सोलिमा के वोल्टेज गेटर चैनल के गेट के बारे में बात करना चाह रहा हूं। ये सब काम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होता है। तो आप बोलोगे सर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो बड़ा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, तो फास्टली होता होगा। अरे हाँ, बिल्कुल फास्टली होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुंडी हटते ही एकदम तुरंत खुल गया। कुंडी हटने के बाद गेट ऐसे खुला, उसमें कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगा। फिर बंद होने में ऐसा नहीं कि इंस्टेंटली सेकंड हो जाएगा, मतलब इंस्टेंटली तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। स्टिमुलस मिला, गेट बंद होने में भी समय लगेगा, ठीक है? तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि वोल्टेज गेटेड चैनल का गेट बंद होने में भी समय लगता है और गेट खुलने में भी समय लगता है। रीभा बताएगी सोडियम वीजीसी का गेट कब खुलता है, स्टिमुलस क्या है उसके लिए? सर फिर से क्वेश्चन नहीं समझ रही। सोडियम वीजीसी का गेट कब खुलता है, स्टिमुलस क्या है उसके लिए? जब सेंसिटिव होता है तब खुलता है। क्या होता है स्टिमुलस, क्या होता है उसके लिए, कब गेट खुलता है? सोडियम वीजीसी का गेट खुलता कब है, सवाल ये है। ये रहा आपका सामने सोडियम, ये गेट कब खुल लो वोल्टेज पे। हाँ, फिर से बोलिए सर। अगर स्टिमुलस लो वोल्टेज होगा तो, वन सेकेंड, हाँ फिर से बोलिए। स्टिमुलस लो वोल्टेज पे होगा तो गेट खुल जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। तो लो, अच्छा एक बार ध्यान रखिएगा, लो वोल्टेज पे एनए प्लस वीजीसी खुलता है। अच्छा, तो हाई वोल्टेज पे कौन खुलता है? के प्लस वीजीसी, बता रखा है ना। तो आप जानते हो कि यहाँ पर जो वोल्टेज की हम बात करेंगे, तो वोल्टेज हमेशा हम इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। देखिए, हम लोग तो कल माइनस 70 देखे थे, दैट इज नॉट वोल्टेज, दैट इज द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन।
लेकिन जो हम ये स्टिमुलस की बात करते हैं ना कि वोल्टेज लो हो गया, वोल्टेज हाई हो गया, स्टिमुलस है ये Na प्लस VDC के लिए, K प्लस VDC के लिए, तो ये वोल्टेज हम इनर मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। तो रिभा आप बताइए, जब हम बोलेंगे कि इनर मेम्ब्रेन का वोल्टेज लो है तो कौन खुल जाएगा, Na प्लस VDC या K प्लस VDC? Na प्लस VDC। तो उस दौरान हम वोल्टेज डिफरेंस को नेगेटिव में रिप्रेजेंट करेंगे एक्सोलिमा के अक्रॉस या पॉजिटिव? नेगेटिव। बहुत बढ़िया। अब अतिक बताओ कि जब मैं बोलूंगा कि इनर सरफेस पर एक्सोलिमा में वोल्टेज हाई है तो वहां पे हाई वोल्टेज के बाद कौन सा वीडीसी खुलेगा? के प्लस वीडीसी खुलेगा। तो उस समय जो आप वोल्टेज डिफरेंस बताएंगे एक्सोलिमा के अक्रॉस, वोल्टेज डिफरेंस पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। वोल्टेज डिफरेंस अगर इनर सरफेस, मैं बार बार कह रहा हूं हम लोग इनर टू आउटर निकालते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं ना, तो कल आपका इनर टू आउटर निकालने में नेगेटिव आया था वोल्टेज डिफरेंस, तो अगर आज इनर का हाई वोल्टेज हो गया तो नेगेटिव वैल्यू फिर कैसे आ जाएगा? समझ में आ रहा है? पॉजिटिव वैल्यू आएगा ना। अरे इनर हाई वोल्टेज हो गया, बहुत ज्यादा हाई हो गया है, तो वोल्टेज डिफरेंस इनर माइनस आउटर निकाल दो तो पॉजिटिव वैल्यू आने लगेगा ना। अब कितने लोग समझ गए मेरी बात? कितने लोग समझ गए? ये छोटू किधर है? छोटू, छोटू किधर है? दिख नहीं रहा है छोटू? इधर है सुमन। सुमन समझ में आ रहा है? Yes। समझ में आ रहा है? Yes। चलिए तो ये रहा, अब समझेगा ध्यान से, Na प्लस VDC K प्लस VDC कब खुलेगा ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ। Na प्लस VDC खुलता है लो वोल्टेज पर और K प्लस VDC खुलता है हाई वोल्टेज पर। कल आप पढ़ चुके थे क्या? पोलराइजेशन। अब देखिए इस मीटिंग का हम लोगों के पास ओनली एंड ओनली 13 मिनट है, ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ पूरे फिनोमेना को एक साथ एक सुर में बताएं। तो एक काम करते हैं, अगला मीटिंग क्रिएट कर लेते हैं ताकि इसी डायग्राम में चारों फिनोमेना आ जाए, ठीक है। चलिए अगला मीटिंग हम क्रिएट करते हैं और वहां पे हम चारों फिनोमेना को एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। बस अभी मुझे इतना बात बताना था कि भाई साहब देखिए अभी पोलराइजेशन हो गया है, Na प्लस VDC खुलता है लो वोल्टेज पर, K प्लस VDC खुलता है हाई वोल्टेज पर। ये हो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज आप इनर मेम्ब्रेन पर देखेंगे। इनर मेम्ब्रेन पर अगर लो वोल्टेज है तो चार्ज होगा नेगेटिव, अगर हाई वोल्टेज है तो चार्ज होगा पॉजिटिव। नॉट वोल्टेज डिफरेंस, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं हो रही है। अगर इनर सरफेस पर वोल्टेज हाई है तो पॉजिटिव चार्ज, लो है तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और अगर इनर सरफेस पर लो वोल्टेज है तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस में आता है क्योंकि आउटर माइनस में निकालते हैं, और अगर यहाँ हाई वोल्टेज है तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव में आता है, ठीक है। तो बाकी की चर्चा हम करते हैं अगले मीटिंग में। आइए जल्दी से अगले मीटिंग।